क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पसंदीदा पेमेंट ऐप्स कितने सुरक्षित हैं? अगर हम कहें कि भागलपुर के एक युवा प्रतिभाशाली लड़के ने भारत के एक टॉप पेमेंट प्लेटफॉर्म में एक बड़ी खामी खोज निकाली है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, आपने सही सुना। आइए जानें इस रोमांचक कहानी के बारे में, जहां मयंक नाम के एथिकल हैकर ने फोन पे को चकमा दिया और इसके लिए सम्मानित भी किया गया। मिलिए मयंक से, जो भागलपुर के बूढ़ानाथ के रहने वाले हैं। यह तकनीक प्रेमी युवक एथिकल हैकिंग की दुनिया में धूम मचा रहा है। उनकी ताजा उपलब्धि भारत के प्रमुख डिजिटल पेमेंट ऐप फोन पे में एक बड़ी सुरक्षा खामी को उजागर करना। लेकिन मयंक ने आखिर ऐसा क्या खोजा, आइए जानें विस्तार से। क्या हुआ, मैं फोन पे से UPI किसी को कर रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि मैं अचानक मेरे माइंड में आया कि क्या कोई फोन पे को हैक कर सकता है क्या, तो उसके बाद फिर मैं उस पे रिसर्च चालू कर दिया। फोन पे का उपयोग करते हुए मयंक ने कुछ अजीब देखा। अपनी तेज समझ और विशेषज्ञता का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इसे और गहराई से जांचने का फैसला किया। और आपको पता है क्या, उन्होंने बिना OTP के फोन पे में लॉगिन कर लिया। जिनको नहीं पता, OTP या वन टाइम पासवर्ड सुरक्षित लेन देन सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इस खामी का मतलब था कि कोई भी गलत इरादे वाला व्यक्ति सुरक्षा उपायों को बाईपास कर सकता था, जिससे अनगिनत उपयोगकर्ताओं को खतरा हो सकता था। जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे तो उसमें क्या होता है कि मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP वाला सेक्शन आता है, तो उसमें क्या हो रहा था कि मैं अपना टूल से जो है OTP वाला रिक्वेस्ट को हटा देता था। और क्या होता था कि देखिए, जो कि सही जो वेबसाइट या ऐप रहता है उसमें अगर आप OTP वाला रिक्वेस्ट हटाते हैं तो वो जो है वो काम नहीं करेगा, वो बिना OTP के लॉगिन ही नहीं होगा। तो इसमें सबसे बड़ा क्रिटिकल इशू क्या था कि कोई भी इसको हैकर हैक कर सकता था। क्या होता था कि इसमें जो है, हम जैसे इसमें कोई भी अगर नंबर डाले तो OTP जो उसमें मांगता था, तो वो OTP में बाईपास करके लॉगिन मार देता था। OTP बाईपास हो जा रहा था उससे, और लॉगिन करने के बाद जो है मैं हेल्प सपोर्ट से कोई भी उनकी जो यूजर्स की जो डिटेल है वो पूछ सकता था और उनका ट्रांजैक्शन देख सकता था, जो भी चीज है वो सब। तो इससे क्या हो रहा था कि फोन पे का एक तरह से डेटा लीक हो रहा था। इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए मयंक ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने फोन पे को इस खामी की जानकारी दी और कंपनी ने तुरंत कार्रवाई की। गहन जांच के बाद फोन पे ने इस खामी को स्वीकार किया और इसे ठीक करने के उपाय किए। मयंक की कोशिशों को मान्यता देते हुए उन्हें फोन पे के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और कंपनी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मैंने फोन पे को रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद फोन पे ने 4 से 5 दिन का समय लिया। उसके बाद फिर फोन पे ने मुझे एक थैंक यू मेल भेजा, और उसके बाद जो है उन्होंने मेरे नाम को जो है अपने वेबसाइट के हॉल ऑफ फेम में लिखा है, जिसमें कि आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, फोन पे हॉल ऑफ फेम के नाम से उसमें मयंक कुमार के नाम से मेरा नाम होगा। तो उसमें क्या है कि नाम पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो मेरा LinkedIn प्रोफाइल खुल जाएगा। फोन पे में ही मुझे सबसे बड़ा क्रिटिकल इशू मिला है। मैं मयंक कुमार अभी कलिंगा यूनिवर्सिटी से BCA की पढ़ाई कर रहा हूँ। साल भर पहले मुझे गूगल पे बग मिला था, जिसमें कि हैकर जो है वो किसी के मेल आईडी से किसी को मेल कर सकता था, और डेटा लीक का कुछ बग मिला था उसमें। तो वो सब मैंने गूगल को रिपोर्ट किया था, तो उन्होंने मुझे हॉल ऑफ फेम दिया था और कुछ गिफ्ट्स जो है मेरे घर पे भेजे थे। और उसके कुछ दिन बाद जो है मैं फिर NASA पे रिसर्च करने लगा कि NASA को कोई हैक कर सकता है कि नहीं। तो जैसे मैं उस पर रिसर्च कर रहा था, तो उस पर क्या हो रहा था कि एम्प्लॉय का जो है वो डेटा लीक हो रहा था, जैसे कि ईमेल आईडी, पासवर्ड, यूजर आईडी, पासवर्ड, ये सब लीक हो रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने जो है NASA को रिपोर्ट किया। लोकल 18 के लिए भागलपुर से सत्यम कुमार की रिपोर्ट।